तो जो सूत्र रोरी के लागो पाट लग कर चलता है वो सूत्र है ड्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनह। ठीक है, एक बार यह सूत्र उसकी वृत्ति ये वाले नोट से पढ़ लेते हैं। कहाँ गया? ठीक है, देखो भले ही ड्रोलोपे जो पूर्वस्य यह सूत्र है ड्रोलोपे पूर्वस्य दीर्घो अनह, यह सूत्र भले ही सिलेबस में नहीं है लेकिन यह सूत्र के बगैर रोरी सूत्र कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि यह रोरी सूत्र का नेक्स्ट स्टेप है। तो क्या बोलता है वो कि ड रेफस्य लोपनिमित्तो परतः पूर्वस्य अनह दीर्घ स्यात्। यानि ड और र इसमें जब लोप होता है लोप निमित्त है, जैसे र का जो रूल है कि दो र रहेगा तो पहला वाला र लोप हो जाता है, ऐसा ड के लिए भी नियम है कि दो ड रहेगा तो पहला ड लोप हो जाता है लेकिन उसका अपने काम नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो अगर दो र है पहला र लोप हो रहा है तो पहले वाले अन को अन तो ईजी है ना भी अ ई ऊ उनका क्या हो जाता है उनका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जैसे पुनरमते का पुनरमते हो जाएगा। ठीक है, और हरिरम्य का हरिरम्य हो गया। ठीक है, श्याम राजा थे अनहक। और हाँ फिर अगला क्वेश्चन, अगला देखो इसमें भी दो सूत्र है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ तक एक हो गया, फिर ये वाला पार्ट वापस लिखिए संजीवनी ने दोबारा। ठीक है, अच्छा किया उसने, परफेक्ट। तो देखो ये मेन सूत्र। ठीक है, अब रोरी का रोरी मेन सूत्र हो गया, रोरी का भी सेकंड सूत्र है या फर्स्ट सबॉर्डिनेट सूत्र क्या है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनह के ड और र अगर लोप होता है दो ड रहे तो पहला ड लोप होता है, दो र रहे तो पहला र लोप होता है, तो उससे पहले अगर अन प्रत्याहार अ ई ऊ वाला रहेगा तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा वो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ इसमें कहाँ गया। तो देखो यहाँ पे एक बार देख लो, एक बार ड और र के लोप निमित्त जो ड और र पर में रहे तो लोप हुए ड और र से पूर्व अन को दीर्घ होता है। ठीक है, यानी लोप करने वाला डकार और रेफ परे रहे तो पूर्व अन वन का दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो पुनर प्लस रमते, तो पुनः प्लस रमते। ठीक है, तो वो हम लोगों ने स्टेप्स तो यहाँ देखे थे, यहाँ पर कहाँ गया स्टेप्स। ठीक है, तो ये स्टेप्स में भी क्या हो जाएगा जब ये पुनः प्लस रमते होता है तो यहाँ तक स्टेप्स पूरे सेम चलेंगे लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये पुनः प्लस रमते हो जाएगा। ठीक है, उसको ऐसे बोलते हैं कि जो अभी ये नकार है ना, अभी ये न है ना तो न का क्या बोलेंगे नकार, तो नकार में तो अ रहेगा, हलंत्यम तो है नहीं, नकारस्थ अ है और नकारस्थ अ दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी अगला है ये मनस प्लस रथ। अभी ये मनस प्लस रथ अपने को अच्छी बड़ी स्टोरी में लेकर देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो सूत्र है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनह ऐसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हम लोग को ये सूत्र समझ में आए कि लगता कैसा है। इसके लिए हम लोग महेश गुरुदत्त की बुक यूज़ करेंगे। ठीक है, महेश गुरुदत्त। ठीक है, तो देखो रोरी रेफ। ठीक है, परे होने पर स्वर से आगे के विसर्ग का लोप होता है तथा लोप करने पर पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। अभी यहाँ पर एक्चुअली में उसने एक्सप्लेनेशन ना एकदम टेंथ के लेवल के हिसाब से दिया है कि विसर्ग है और उसके बाद में र है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पहले वाले का दीर्घ उस पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाता है। फिर जस्ट हम लोग देखे कि स्वर का एक्चुअली में ये गलत भी नहीं बोल रहा है कि स्वर का दीर्घ हो जाता है, वो यहाँ पर अभी स्वर का दीर्घ बोलना क्यों सही है वो हम लोग अगले सूत्र में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले लेकिन प्रॉपर क्या फ़िलहाल आप लोग प्रॉपर क्या बोलोगे कि अन वाला स्वर मतलब अ ई ऊ का दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो इसने इस पैटर्न से एग्जांपल दिया है ना, ये पैटर्न एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वो फ्लो चार्ट बनाया था। कहाँ गया ये? नहीं, रोरी वाला देखो यहाँ पर ये जो बनाया था ना कि देखो अभी उसने एग्जांपल क्या दिया है, कवि प्लस रचयति, कवि ही प्लस रचयति। ठीक है, तो कवि ही प्लस रचयति,
तो ये जो विसर्ग है ये स हो जाएगा कविस रचयति, फिर ये रू कवि रू रचयति, फिर ये हो जाएगा कविर रचयति। तो ये जब कविर रचयति हो जाएगा तो ये अपने आप संधि के रूल में आ जाएगा, कविर प्लस रचयति, ठीक है। तो कवि प्लस रचयति क्या हो जाएगा, कविर रचयति। अभी अपने को इसको यहाँ से सॉल्व करना है, तो कविर रचयति, तो कविर रचयति में देखो क्या हो जाएगा, कवि प्लस र प्लस र प्लस रचयति, ठीक है। तो ये वाले र का लोप हो जाएगा, ठीक है, र रोरी सूत्र से ये वाले र का लोप हो जाएगा, और फिर ये कवि के जो मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी, कवि हो जाएगी, कौन से सूत्र से, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः से उसका लोप उसका वो हो जाएगी, मतलब उसकी दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है, समझे। आ जाओ आगे महिदत्त की बुक में, ठीक है। तो कवि ही प्लस रचयति जो सूत्र है वो कवि ही, हाँ का छोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा पतला करो, ऑलरेडी सबसे पतला है, ठीक है। तो देखो कवि ही प्लस रचयति में ये क्या हो जाएगा, कवि रचयति, ठीक है। तो उसने डायरेक्टली बोल दिया कि विसर्ग का लोप होगा, प्रथम पद के स्वर का दीर्घ हुआ, तो विसर्ग का विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग स सजुश्वरों से स हो जाएगा, फिर नहीं नहीं स किससे होगा, विसर्जनीय सह से स हो जाएगा, फिर स सजुश्वरु से र हो जाएगा, फिर ख फिर रू का वो र हो जाएगा उपदिशा नासिक से, फिर रोरी सूत्र से उसका र का लोप हो जाएगा, ठीक है, र का लोप हो जाएगा, फिर वो दीर्घ कौन से सूत्र से होगा, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः से वो दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पर रोरी में पूरा लिख दिया दो स्टेप में, लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पूरे स्टेप हो कैसे है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो गुरुदत्त बुक है ये बुक एग्जाम्पल्स का बहुत अच्छी है, उसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन थेरी नहीं है, थेरी जोशी सर की बुक में काफ़ी अच्छी दी हुई है, ठीक है, जोशी सर की बुक है थेरी के लिए। उसके बाद ये जो बुक है डम डेरे जमदाड़े और देशपांडे, राजेंद्र देशपांडे सर की जो मराठी की बुक है, बहुत पुरानी बुक है, वो भी बुक अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सोपे संस्कृत और महेश गुरुदत्त, ये दोनों बुक्स भी उतनी खास नहीं है एग्ज़ाम्पल्स के लिए, ठीक है। एक और बुक है एग्ज़ाम्पल्स की, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम्पल्स के जो नई बुक आएंगे ना खाकर नए सिलेबस के हिसाब से, वो एग्ज़ाम्पल्स के बहुत अच्छी है, लेकिन थियोरेटिकल के लिए ना समझने के लिए पुरानी बुक्स ही सही है। अगला एग्ज़ाम्पल देखो, भानुहू प्लस राजते, अभी यहाँ पर भी सेम प्रोसेस चलेगा, वो भानुहू क्या हो जाएगा, भानुस हो जाएगा, भानुस के बाद वो भानुरू हो जाएगा, भानुरू के बाद वो भानुर हो जाएगा, फिर जब वो भानुर हो जाएगा तब उसके र का लोप होके भानु प्लस राजते हो जाएगा, तो रोरी सूत्र से भानु प्लस राजते हो जाएगा, और फिर ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः सूत्र से क्या हो जाएगा हमारा, भानु ये वाला भानु बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगा, देखो आप उसने मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगा, ठीक है। फिर पुनः प्लस रमते, तो उन्होंने किए थे पुनः प्लस रमते, ठीक है, ये एग्जांपल हमने किए थे, ये तो पहले से किया हुआ है, ठीक है। फिर हरी प्लस रम्यह में क्या हो जाएगा, हरी प्लस रम्यह, तो हरी जो वो है, हरी प्लस रम्या, थोड़ा रुक जाओ, हरी प्लस रम्या पे अपनी पूरी कहानी चलने वाली है, क्यों क्या नहीं, हरी प्लस रम्या पे कहानी किधर है, मनस प्लस रथा पे कहानी है ना, हाँ हरी प्लस रम्या करो, उसमें कुछ नहीं, हरी प्लस रम्या में क्या हो जाएगा, पहले हरिश रम्या हो जाएगा, फिर हरीरु रम्या, फिर हरी रम्या, फिर हरी रम्या हो जाएगा तो पहले उसका लोप हो जाएगा, फिर बाद में ये हरी रम्या, देखो हरी रम्या और कवि रचयति बहुत सेम है, ठीक है, हरी रम्या इसमें पहले से, ठीक है, वो है हरी रम्या, देखो पहले से कुछ नहीं है, पहले वो है क्या बोलते हैं, छोटा ई की मात्रा बाद में बड़ी ई की मात्रा हो जाती है। फिर शंभू प्लस राजते,
तो शंभू प्लस राजते में वही हो जाएगा शंभू राजते, शंभूस राजते, फिर शंभुर राजते, फिर शंभुरू राजते, तो फिर शंभुर राजते, तो फिर शंभुर राजते होगा, तब र का लोप हो जाएगा रोरी से और ऊ की बड़ी मात्रा हो जाएगी इस सूत्र से, र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः। ठीक है, तो इसमें चार पांच एग्जांपल्स हैं, पांच एग्जांपल्स दिए हुए, इजी है, होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो गुरुदत्त बुक में दिया हुआ है उसने यहाँ पर रोरी सूत्र और ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः सूत्र दोनों को कंबाइन करके उसने गेम खेला है। ठीक है, और कुछ नहीं है। और हमने कुछ क्या बोला था, कहाँ गया, देखो हम लोग इसमें थे ना, यहाँ पे एग्जांपल था मनस प्लस रहता। ठीक है, मनस प्लस रहता जो एग्जांपल है उससे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे हम लोग का चौथा सूत्र आएगा। लेकिन उससे पहले एक जो क्वेश्चन है, ठीक है एक मिनट रुको, एक मिनट बस। ठीक है, एक एक चीज़ और देखो, अब हम लोग को भले ही ड वगैरह से कुछ काम धंधा नहीं है, लेकिन हम लोग को एक चीज़ बस याद रखो यहाँ पे साइड में, कि अगर देखो हरी प्लस रम्या भी, हरी प्लस रम्या भी एग्जांपल सही है, हरी प्लस रम्या भी एग्जांपल सही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो ये एग्जांपल है ना, एग्जांपल है लीड प्लस डह, तो क्या हो जाएगा लीड ह, तो ये एग्जांपल भी सही है। ठीक है, ड वाला एग्जांपल भी लीड हा, इसके लीड दो एग्जांपल उसने दिए, लीड हा और अलीड हा, ये इसको आगे अ लगा दो, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लीड हा। ठीक है, तो अभी मैं जो बोल रहा था ना कि महर्षि दत्त की बुक में से लिखा हुआ है कि स्वर का दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो स्वर का दीर्घ हो जाता है बोलना भी गलत नहीं है जनरिकली। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सूत्र है, सूत्र में तक आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भले ही उसने क्या बोला है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः, तो उसने सूत्र में बोला है कि अन प्रत्याहार का दीर्घ होगा। ठीक है, ड डह रेफ, अगर इसका वृत्ति देखेंगे तो डह रेफलियो डह रेफ लोप निमित्तयो पूर्वस्य अनुदीर्घ स्यात्। ठीक है, जो पूर्व में अन है उसका दीर्घ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूर्व अन क्यों बोला है, क्योंकि अन प्रत्याहार के अलावा किसी और का दीर्घ स्वर बनता भी नहीं है। देखो अभी जो अ ई उ है, जो अपना अ है, जो अपना ई है, जो अपना उ है, इसका ही तो बड़ा आ, इसकी बड़ी ई और इसका बड़ी उ बनता है। ठीक है, बाकी जो स्वर है अ ई उ ना रू लू का, रू रू और लू का दीर्घ कहाँ होता है, रू लू का दीर्घ नहीं होता। फिर ए ओ ना ऐ औंगा, ए और ई और ओ और औ को तो महेश्वर सूत्र अलग अलग मानता है। तो इस लॉजिक से देखो, हम लोगों ने स्वर्ण किए नहीं है महेश्वर सूत्र में, हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में सवर्ण साथ में किए नहीं है। तो देखो सवर्ण मतलब क्या है, उसका उच्चारण स्थान और उसका प्रयत्न समान हो, लेकिन चूँकि महेश्वर सूत्र में ए और, तो इसका मतलब ये होता है कि तुल्या से प्रत्यय से जो अ उसके जो 18 प्रकार है ना, ये पूरे हम लोग क्या बोलते हैं सवर्ण है, मतलब वो समान का उच्चारण स्थान प्रत्यय से मतलब सवर्ण है। लेकिन क्योंकि महेश्वर सूत्र में ए ऐ अलग अलग आया है, ओ और औ अलग अलग आया है, ए ओ ना और ऐ औंगा, इसलिए हम लोग उनको सवर्ण नहीं मानते। ठीक है, भले उनका उच्चारण स्थान और प्रत्यय एक हो तो भी। ठीक है, तो इससे बचा क्या, रू और लू का तो दीर्घ होता नहीं है, तो इससे बचा सिर्फ अ ई उ। तो आप चाहे स्वर बोलो, चाहे आप स्वर बोलो या फिर आप अ ई उ बोलो, एक ही बात है, अ ई उ का स्वर का दीर्घ बोलो या अ ई का दीर्घ, तो इनका ही होने वाला है अ ई उ का। ठीक है, रू लू का होगा नहीं और ए ओ को हम लोग मानते नहीं, क्योंकि हम सूत्र में उसका अलग अलग माना हुआ है। ठीक है, वैसे भी वो संयुक्त स्वर है। ठीक है, तो फली आपको ये समझ में आया होगा कि दीर्घ किसका होगा, सिर्फ अ ई उ का, समझे ना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में मन से बना रहा, जो अगला सूत्र है इसके ऊपर, जो तीसरा सूत्र है ना, अभी जो सेकंड सबॉर्डिनेट सूत्र है, कहाँ गया, ये देखो रोरी के बाद ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः सूत्र है। ठीक है, और फिर दीर्घ ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अनः, ये सूत्र के अंडर एक और सूत्र आता है,
ये वाला सन किम द्रुढ़ उसकी वृत्ति में है। मनस प्लस रथा इति अतः ऋत्वे कुरकुते हश इति उत्वे रोरी इति लोपचा। नहीं नहीं इससे पहले ये अन वाले इसमें ही आता है। परत पूर्व से अन दीर्घ से पुनरम्य हरिम्य। देखो यहाँ पर देखो शंभु रजते अनह किम। देखो यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर देखो अनह किम अन क्यों। ठीक है ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है मेरे को बिना मतलब टॉपिक खींचने का है बोल के मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बाकी तो उसने पूछा है अनह किम